हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माँ बेटी किचन डाइज में आपका स्वागत है और आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी आलू पत्ता गोभी की रेसिपी। और बहुत ही अच्छी होती है, झटपट से बन जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आलू पत्ता गोभी बनाने के लिए यहाँ पे हमने गोभी ली है, आधा किलो के करीब गोभी ली है। एक हमने गोभी का फूल लिया था, बंद गोभी का। और यहाँ पे हमने आलू लिए हैं, 4 से 5 आलू हैं जिन्हें हमने अच्छे से छील लिया है, वॉश भी कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज है, 3 हरी मिर्चें हैं। और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं और आलूओं को छोटा छोटा कट करेंगे हम। गोभी के धोते टाइम हम खाने का सोडा और नमक लगाकर धोएंगे ताकि इसमें जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सब मर जाएंगे। तो सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे और अच्छे से धोएंगे आप और अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको हम ऐसे कंडिया में रखा है ताकि जितना ही पानी है वो नीचे निकल जाए और ये हमारा सूखा सूखा बच जाए। और आलूओं को हमने इतना छोटा छोटा कट कर लिया है। और यहाँ पे हमें कुछ मटर चाहिए होगी तो मटर छील लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे हमने मटर छील ली है, 1 कटोरी मटर ली है। और टमाटर को भी काट लेते हैं, तो यहाँ पे हम टमाटर काट रहे हैं और जो 3 टमाटर लिए थे अच्छे से हम चॉप कर लेते हैं। और यहाँ तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, भगोना ले लिया है और इसमें ऑयल डालेंगे। तो पहले जितना भी पानी है सूख जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम ऑयल डालेंगे इसमें। तो पानी सूख चुका है, अब हम डाल देंगे 1 बिग स्पून ऑयल। और ऑयल गर्म होने के बाद हम तड़का लगाएंगे, तो देख लेते हैं तड़के में क्या क्या लगेगा। तो ये सब तड़के में लगेगा, प्याज लगेगी, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, चॉप कर लिया है। और हींग लगेगी, 3 हरी मिर्चें 4 ये लगेंगी, ज़ीरा है और यहाँ पे सरसों ली है। तो चलिए सबसे पहले हम सरसों डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो सरसों डाल देते हैं सबसे पहले, उसके बाद ज़ीरा, उसके बाद डालेंगे हींग, उसके बाद हम प्याज। और यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद अच्छे से हम सॉटे करेंगे। और यहाँ पे हरी मिर्चें भी डाल लेते हैं, अच्छे से फ्लेम को फुल करके सॉटे कर लेते हैं। और फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, तो जल्दी से सॉटे कर लेते हैं। और यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है सब निकल जाए। और उसके बाद हम डालेंगे आलू, आलूओं को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे, मतलब सॉटे कर लेंगे। मटर डाल देंगे और मटर को भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अच्छे से इन्हें सॉटे करेंगे ताकि जो इनका कच्चापन है वो निकल जाए। तो फ्राई कर लेते हैं अच्छे से आलू और मटर को। और अब हम हल्दी डाल देते हैं, तो 1 चम्मच हल्दी डाली है हमने, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम टमाटर डाल देते हैं और टमाटर डालने के बाद हम नमक डालेंगे, क्योंकि टमाटर से नमक से टमाटर गल जाता है। और देख सकते हैं कैसी हरी भरी हमारी सब्जी लग रही है। और नमक डालने से पहले हम यहाँ पे डाल देंगे गोभी, आराम से सारी गोभी डाल देते हैं हम। गोभी डाल के अच्छे से मिक्स भी करना है। और अभी हमें बाकी के मसाले भी डालने हैं। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स बिल्कुल आराम आराम से करेंगे ताकि बाहर ना निकले। और अब हम धनिया पाउडर डाल देंगे और सब कुछ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे। तो 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। ड्राई मैंगो पाउडर डालेंगे, अमचूर पाउडर अब हम तो डालते हैं। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। और ज़ीरा पाउडर भी डाल लेंगे, ऐसा हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इसमें पानी नहीं डलता है, ये खुद पानी छोड़ेगा और ऐसे खिली खिली बनकर रेडी होगी। और अगर पानी डालेंगे तो थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। तो अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढककर कुक करेंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम इसी की भाप में पकाएंगे और कोई भी पानी वानी नहीं डलेगा। और इतनी सब्जी हम बना रहे हैं, ये 5 लोगों के करीब लोग खा सकते हैं, और आप कम बढ़ती भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और बस सब कुछ मिक्स कर दिया है, अब इसको हम ढक देते हैं और कुक करते हैं 10 से 15 मिनट तक। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अब खोल के देख लेते हैं, अभी 5 मिनट हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अगर आपको इतनी गीली चाहिए तो आप इतनी रख सकते हैं, और ज़्यादा गीली चाहिए तो अभी और कुक कर सकते हैं। और हमें बस इतनी चाहिए थी, तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे हमने धनिया की पत्ती काट ली थी, तो धनिया की पत्ती हम स्प्रिंकल कर देते हैं और बस सर्व करते हैं फिर। और यहाँ पे हमने सर्व कर दिया है, धनिया की पत्ती डाली है ऊपर से, बहुत ही टेस्टी होते हैं और झटपट से बन गई है। और आलू भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आलू भी गल चुके हैं और मटर भी गल चुकी है, और बहुत ही अच्छी लगती है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। झटपट से तैयार हो जाती है, देख सकते हैं गरम गरम सर्व करी है। इसे आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ियों के साथ भी, और चपाती के साथ भी, और बहुत ही अच्छी लगेगी। और सर्दियों में आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ऐसी लाजवाब रेसिपीज़ के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की रेसिपी चाहिए। और ऐसी हरी भरी सब्ज़ी देखकर तो वैसे भी भूख बढ़ जाती है, और ये हरी भरी सब्ज़ी देखकर तो मेरी भी भूख बढ़ चुकी है। तो चलिए मैं झटपट से ये सब्ज़ी फिनिश करती हूँ। जब तक आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।